आज का क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्लास नंबर 2 को लेकर आया है, यानी यहां से सेम 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वैसे प्रश्नों को लेकर आए हम जो अगले साल प्रश्न पूछा गया था इस साल भी पूछने की पूर्ण संभावना है, यानी कि आज का क्लास से आप लोग के पेट में 5 नंबर कंफर्म या निश्चित हो जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आज का क्लास देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करके वह उस पर आधारित 1 से 5 तक के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी यहां पे कह रहा है कि पाई चार्ट का सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, और उसको आप अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी की व्यय, जो व्यय है वो लाख में है। ये वर्ष दिया है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ये वेतन है 300 लाख, 340 लाख, 524 लाख, 340 लाख, 450 लाख। क्योंकि जो व्यय है वो लाख में है, ये व्यय की मद है। ईंधन व परिवहन पे 100 लाख, इस तरह का बोनस है, ऋण पर ब्याज है, कर है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों कि इसको हमें अध्ययन विधिवत कर लेना है। अब देखा जाएगा प्रश्न क्या दे रखा है। तो प्रश्न आपका दे रखा है पहला, में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। यानी 2011 में बोला जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, फिर कहा जा रहा है कि 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी 2011 और 2015 से हमें सवाल देखकर लगानी है। तो पहले हम 2011 का सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे कि 2011 का कितने हैं। तो 2011 को जोड़ा जाएगा, फिर 300, 100, 400, 400 ये 2 हो जाएगा, 402 और 13 हो जाएगा 415, अब 85 500, यानी इसको जोड़ने पर आपका आया है 510.4 लाख। 2011 का जोड़ दिए हैं, अब हम 2015 का जोड़ेंगे। 2015 का जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है इसमें, तो इसमें भी हम 2 डिजिट कर लेंगे, 2 डिजिट कर लेंगे, 2 डिजिट हो गया। अब क्या आपको करना है, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6, फिर 9 और 4, 9 4 13 को 3 हाथ में लगा 1, हासिल 1 हुआ। फिर इकाई का अंक जोड़ेंगे 8 और 1, हासिल 9 9 18 18 2 20 20 2 22 22 को 2, हाथ में लगा 2। दाहिने वाला अंक 8 और 2 10 10 अब 3 13 13 5 18 5 23 को 3, हाथ में लगा 2। सैकड़ा वाला स्थान जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 4 7, यानी आपका 2015 में जो जितना आया है खर्च सभी मदों पे, उस 732.36 लाख, और 2011 में जो ब्याह आया है वो आपका 500.4 लाख आया है। किया क्या गया है दोस्तों कि 500.4 लाख और 732.36, इतना याद रखना है। यानी कि इसमें जो सवाल है, 2011 में जो खर्च किया गया था, 2011 में जो खर्च हुआ था वो आया था 500.4 लाख, और 2015 में जो खर्च हुआ था वो आया था 732.36 लाख। अब करना क्या है कि जब भी प्रतिशत पूछा जा
तो आपको तुलना किया जाए या से हो जिसके पीछे या का हो, वो चीज नीचे होगी आपकी। तो यहां पे का है, अकार की समय है दोस्तों, चाहे यहां पे का हो चाहे से हो चाहे तुलना हो, वो चीज तुरंत नीचे हो जाएगी। यानी 732.36 ऊपर हो जाएगा 510.4 अगुणे हो जाएगा 100। दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है और दशमलव के बाद नीचे दो अंक है, हम एक जीरो और बढ़ा के दशमलव हटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 500, ये और दशमलव हट जाएगा, यानी 50,040,732.36×100। यदि हम इसे 4 से कटा दें तो 4 से कटाएंगे तो 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20, 0, और इसे कटाएंगे तो 18 × 4 = 72, 3 × 0 = 9×100। अब देखा जाएगा ये 3 से कट जाएगा, 5 × 1 = 6, 2 × 8 = 9, जुड़ने पर अंक 9 हो जा रहा है, नीचे भी 3 से कट जाएगा, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 1 = 3, 41, 70 ऊपर हुआ, 3 × 6 = 18, 0, 3×100। अब आसानी से भाग चली जाएगी तो भाग हम दे देंगे तो 6 × 7 = 42, 7 बार नहीं जाएगी, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ, ए रॉन्ग हुआ, ए रॉन्ग हुआ। देखिए 6 × 7 = 42, लगभग 600 है, सॉरी 6000 है, वो 41000 है, यदि 42000 होता तो भाग जाती, तो इसका मतलब है कि 6 बार भाग जाएगी और इसे कटाएंगे तो 68.33% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी, ब्याज की सवाल में बोला जा रहा है, ब्याज, ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्याज वाले को आप निकाल लीजिए, ब्याज कौन है, तो ऋण पे ब्याज जो है उसे हम जोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज पे जो औसत राशि है कितनी चुकानी पड़ेगी, तो यहां पे हम जोड़ेंगे 4, 5, 9, 6, 15, 4, 19, 4, 23 को 3 हाथ में 2, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 14, 14 और 9, 23 को 3 हाथ में 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, यानी 133.3 लाख आया है इस पे, और इसी का दोस्तों औसत निकालना है। तो औसत कितने से भाग कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो औसत निकल जाएगा 5 × 10, 3 बचेगा 5, 6 = 30, 3 बचेगा 5, 6 = 30, 5, 6 = 30, 26.66 लाख उसे औसत रूप में ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो देखा जाएगा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो ब्याज पे है, तो यहां पे जो ऑप्शन आपका दिख रहा है 26.66 लाख रुपए ऑप्शन नंबर बी होगा। कि ये क्या है दोस्तों, ब्याज वाली की सभी वर्षों का हम जोड़ दिए हैं और 5 से भाग कर दिए हैं, हमारा ये आंसर निकल गया है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे दे रखा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई वेतन, वेतन या नहीं होगा बोनस होगा, यहां पे दोस्तों यहां पे हम लोग का बोनस होगा, बोनस यहां पे हम लोग का बोनस रहना चाहिए। यानी दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, देखिएगा परसेंटेज पूछ रहा है और काम मिल गया है। जब दोस्तों काम मिल गया तो आप इतना समझ लीजिएगा कि वो चीज नीचे होगा
और इसमें बोनस का हम सभी को जोड़ लेंगे और वेतन वाले को जोड़कर, और सवाल हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, बोनस और वेतन को जोड़ा जा रहा है, कितना है? तो बोनस और वेतन पहले हम इसको जोड़ लें, बोनस को, तो बोनस को जोड़ा जाएगा 6, 8, 14, 4, 18, 2, 20, 0 हाथ में लगा 2, 9, 6, 15, 5, 20, 28, 28, 2, 30, 0 हाथ में लगा 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12 यानी बोनस में जो खर्च हुआ है वो 12 लाख हुआ है। बोनस में जो हम लोग का व्यय है वो 12 लाख है और वेतन का जोड़ना है तो 4 हो जाएगा वेतन का, 5, 4, 9, 2, 11, 4, 15 हाथ में 1, 4, 1, 5, 3, 8, 5, 13, 3, 16, 3, 19 1954 लाख आपका वेतन पूरा है और इसमें से 12 लाख बोनस है। अब जो कहा जा रहा है उसी को हम, जो कहा जा रहा है उसी को हम जोड़ लें, 1954 लाख और 12 लाख था बोनस आपका इस अवधि के दौरान में। इसको आप लोग को बना लेना है दोस्तों कि यहां पे बोनस बोला गया था, बोनस। तो अब कह रहा है बोनस पर कुल राशि कितनी थी, बोनस पे कुल राशि कितनी थी 12 लाख और वेतन में कुल 1954 लाख गुणे 100। देखिएगा 1954 नीचे ही क्यों रखे हैं दोस्तों, तो जिसके पीछे से हो, तुलना हो, का हो, जिस वर्ष में लगा हो चाहे जिसके साथ लगा हो, वो नीचे हो जाएगा और बकिया ऊपर हो जाएगा। इसे कटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 9 18 2 7 14 2 7 14। अब इसमें भाग कर देंगे ऊपर हो जाएगा 600, आय हो जाएगा 977, लगभग 1000 है। पॉइंट बढ़ाएंगे यहां पे जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, अब भाग जाएगी 6 बार, 6 7 42 को 2 हाथ में 4, 6 7 42 4 46 को 6 हाथ में 4, 6 9 54 58। तो हमारा मिल गया 10.6 में कौन है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ए राव की स्क्रीन पर कह रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, यानी वर्ष 2013 देखना है दोस्तों और इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, यानी वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का जो वेतन है वो कुल कितना व्यय हो रहा है। तो अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि वर्ष 2013 के सभी को जोड़ लेना है। अब वर्ष 2013 यही है और आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 524 और यहां पे है 105, 2.84 वहां पे, 31.6 31.6 यहां पे 2.84 है, फिर 31.6 है, फिर 75 लाख, यानी इसको हमें जोड़ना है दोस्तों। तो यहां पे जोड़ेंगे तो 4, 8, 6, 14 को 4 हाथ में 1, 5, 1, 6, 1, 7, 9, 9, 5, 14, 4, 18 को 8 हाथ में 1, 7, 1, 8, 3, 11, 11, 2, 13 को 3 हाथ में लगा 1, 5, 1, 6, 1, 7 यानी कि 738.44 लाख 2013 की कुल व्यय है। तो आपको करना क्या है कि इसका औसत निकालना है दोस्तों, तो हम इसी में क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो कुल व्यय औसत नहीं पूछा था, कुल व्यय तो 738.44 लाख यानी कि 2013 में के दौरान में कुल व्यय जो होगा 738.44 लाख रुपए होगा दोस्तों।
कैलकुलेशन थोड़ा सा टफेस्ट उसमें दिया जाएगा, आप लोग को ध्यान से देखकर ही विकल्प को चुनना है। प्रश्न संख्या 5, ये आपके स्क्रीन पर दिया, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, यानी सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कर टैक्स पे पूछा जा रहा है, ईंधन और परिवहन का अनुपात पूछा जा रहा है कितना है। तो इसमें हम दोस्तों करेंगे क्या कि सभी वर्षों का हम जोड़ा जाएगा, तो अब जोड़ेंगे आप, तो अब हम करेंगे क्या कि अब हमारा हो जाएगा कर, कर इसमें हमें देखना होगा, कर एक आपका ये है, इसमें हम जोड़ेंगे 8, 8, 16, 5, 21, 5, 26 को 6 हाथ में दो, 8, 2, 10, 7, 17, 7, 24, 24, 1, 25, 25, 8, 35 को 3 हाथ में 3 और 3 और इस सैकड़ा का स्थान 4, यानी 436 लाख आपके कौन हो गया, कर हो गया। अब किससे अनुपात निकालनी है, ईंधन और परिवहन से, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 2, 14 को 4 हाथ में 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10 को 0 हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 6 फिर से इसको जोड़ लिया जाएगा, 5, 5, 10, 12, 14 को 4 हाथ में 1, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10 को 0 हाथ में 1, 604 ही, इसको हम दो बार तीन बार जोड़कर ही वहां पे दोस्तों देखा जाएगा, नहीं तो सवाल आपकी पूरा गलती हो जाएगी, तनिक जोड़ने में गलत हुआ सवाल पूरा गलत हो जाएगा। यानी इसमें करना क्या है, 3, 436 = 604 और इसे 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4 नहीं जाएगी भाग, 4 नवा 36 ये हो जाएगा, 4 15 चौका 60 4 एकम 4, 109 = 151 जो होगा ऑप्शन वही मार दिया जाएगा दोस्तों। तो 109 = 151 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।